गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो आप फैमिलियर ये वर्ड तो डेली सुनते ही हो घर में, और आपको पता ही है कि आज जगह पे, आज मॉडर्न लाइफ में विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, पहले जमाने में तो लाइट नहीं थी तो भी घर में कैसे भी करके निकल जाता था, बट आज का आज मॉडर्न लाइफ में एक घंटा निकलने के लिए भी मुश्किल हो जाता है। बिकॉज घर में देखा होगा आपका फैन चलता है, एसी चलता है, कूलर चलता है, व्हाटएवर, फ्रिज, सब, मतलब मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो चलता है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है, तो शॉप्स भी, बैंक्स में भी, काम का जो भी चलता है नेट में, वो सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी ही यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो इतना फैमिलियर है और इतना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, तो उसके बारे में डिटेल से पढ़े तो और अच्छा है कि क्या चीज़ें हैं। तो आपने तो सुना ही होगा विंड एनर्जी एयर से जो बनता है, हाइड्रो पावर एनर्जी मीन्स वाटर से बनता है, फ्लो ऑफ वाटर, रिवर का वाटर जो जाता है उसका फ्लो से करंट बना सकते हैं, और जैसे विंड एनर्जी को जो घूमता रहता है पवन चक्की, उससे भी इलेक्ट्रिक चार्ज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी किससे, जो करंट क्या होता है, द कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कंटिन्यूसली जाता है और वो भी क्लोज पाथ होना चाहिए। वाय कैसे आपको पता है ना करंट किस में फ्लो होता है, मेटेलिक वायर में। अगर वायर को कहीं से भी काट दिया, क्लोज नहीं है, ओपन कर दिया, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या बोला, कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ, मतलब बंद होना चाहिए, मतलब रास्ता उसका, तब जाके वो करंट फ्लो होगा इन करंट सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, तो पहले जब कंसिडर किया था बहुत पहले, तो उस टाइम में खाली एक ही चार्ज उन्होंने, पहले साइंटिस्ट लोगों ने किया होगा, द इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडर टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पहले खाली पॉजिटिव चार्ज ही गिना गया था, एंड दैट डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जो पॉजिटिव चार्ज प्लस साइन जाता था एक डायरेक्शन में, उसी को लोग इलेक्ट्रिक करंट की तरह ट्रीट करते थे। बट आफ्टर दैट कंसिडरेशन के बाद पता चला कि उसके जो अपोजिट, मतलब पॉजिटिव ऐसे जाएगी ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है, उसको नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। दैट मीन्स अभी आपको आइडिया है दो चीजें, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं फ्लो ऑफ करंट, मतलब जो करंट को फ्लो करता है सर्किट के अंदर। ठीक है, और ये जो है अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो ये आपको करंट के बारे में मैंने बताया क्या होता है। ठीक है, अगर वही बीच में आपने ब्रेक कर दिया वायर को, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, उसको बोल देंगे ओपन पाथ। क्या बोल देंगे उसको, ओपन पाथ। ओपन पाथ होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो अभी जैसे करंट कितना चार्ज आपने यूज किया, तो करंट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्या दिया है, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई इज कॉल्ड एज करंट, I का मतलब होता है करंट, Q मतलब होता है नेट चार्ज, कितना आपने अभी तक चार्ज यूज किया, मतलब पावर कितना यूज किया, P मीन्स टाइम, टाइम कितना टाइम यूज किया। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मैं 10 वॉट्स का लाइट को 10 घंटे यूज किया, तो वॉट्स जो कितना टोटल हो रहा है 10 घंटे में वो, और टाइम टेकर में क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड्स या 10 मिनट्स या 10 आवर जो दिया होगा वो लेंगे। तो ऐसे यूनिट ऑफ दिस आई, इसका आई का कॉन्स्टेंट वैल्यू आपको पता है किलो, सब जैसे अभी सब्जी लेने जाते हैं तो 1 किलो, 2 किलो या 5 किलो केजी लगता है पीछे, उस जैसे ऑयल या मिल्क लेने जाते हो तो क्या लगता है लीटर, दैट इज द उसका जो मेजरमेंट है उसका फिक्स होता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे करंट का क्या होता है, कोलंबो, क्या होता है, कोलंबो, सी होता है। ठीक है, क्या यूज करते हैं, सी, उसका शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल में सी लिखना। ओके, मेरे जैसे मैंने बताया करंट का क्या है, कोलंब, सी, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा जाए तो 6×10^18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द यूनिट इज कॉल्ड एज एम्पियर, उसका मतलब करंट को किस में दिखाया जाता है, एम्पियर में, एम्पियर मीन्स ए। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है ये, साइंटिस्ट के हिसाब से ये एम्पियर करके नाम आया है, तो इसलिए कभी भी करंट को ना एम्पियर में ही गिना जाता है, ए लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी एक सम अप करते हैं, एग्जांपल नंबर 12.1 टेक्स्ट बुक में भी है, तो 12.1 में क्या दिया, करंट ऑफ 0.5A इज ड्रॉन बाय द लिमिटेड ऑफ द बल्ब फॉर 10 मिनट्स, मतलब एक जो लाइट है वो इतना कंज्यूम करता है करंट 0.5, और 10 मिनट्स तक उसको ऑन रखा है, तो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको तो फॉर्मूला बताया था, क्या था, आई इक्वल्स टू करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम टेकन। कितना बोला मैंने, आई मतलब करंट इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ये कितना चार्ज लिया वो,
बट याद रखना, कभी भी आपको फिजिक्स के सम्स करते समय आपको याद रखना है मिनट्स में आवर्स में नहीं चलेगा, सेकेंड्स में ही चाहिए, पर सेकेंड में ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो आवर्स में दिया तो आपको सेकेंड में बदलना पड़ेगा, मिनट दिया तो भी उसको सेकेंड में बदलना ही पड़ता है, क्योंकि पर सेकेंड ही निकाला जाता है फिजिक्स में। कहीं भी हो, मोस्ट ऑफ में देखना पर सेकेंड ही निकाला जाता आंसर, ठीक है। स्पीड भी निकाल रहा हूँ, कुछ भी हो, तो मेरे को यहाँ तो उसने 10 मिनट्स दिया है, तो 10 मिनट्स तो वैलिड नहीं है, मेरे को पर सेकेंड में ही निकालना पड़ेगा। तो पहले उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 मिनट्स इक्वल्स टू 10 × 60 सेकेंड्स, तो 600 सेकेंड्स, वो तो पता है ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 10 मिनट्स मतलब कितना हो गया, 600 सेकेंड्स। तो आई का तो अपने पास यहाँ पे लिखा दिया ही है, ये आई है, ठीक है, 0.5 चार्ज नहीं है, बट टी टाइम टेकन कितना दिया है, 600 सेकेंड्स, गॉट इट। अब ये डिवाइड वाला हिस्सा डालेगा तो क्या हो जाएगा, इनटू क्यू इक्वल्स टू 600 × 0.5, तो कितना हो जाएगा ये 300, कितना हो जाएगा 300 C, ठीक है, करंट तो सी, गॉट इट। तो ऐसे अपन सम्स को कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग, मैंने 12.1 करवाए तो आप लोग 12.2 आप ट्राई करना।